हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर अगस्त तक की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और जो ऑथर्स हैं जो करंट अफेयर्स में हमें देखने को मिले थे उनको हम डिस्कस करेंगे। काफी छोटा वीडियो है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आप इसे जरूर समझने की कोशिश करें। और इस वीडियो को प्रेजेंट करता हूँ मैं आपके सामने। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। वीडियो के एंड में आपको एक क्विज मिलेगी, मतलब आपके सामने कुछ बुक्स होगी, उनके ऑथर्स का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक है हमारे सामने अंबेडकर ए लाइफ। ये जो बुक है ये लिखी है शशि थरूर ने, जो कांग्रेस के नेता भी हैं। मैं हर बुक का जो कवर पेज है वो आपके सामने यहाँ पर, जो इमेज है वो आपके सामने यहाँ पर लगा रखा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। जिससे इमेज में क्या, इमेज से क्या है हमें समझने में काफी ज्यादा आसानी होती है। ये काफी हाईलाइटेड बुक थी अपने आप में। अगली किताब है इरफान खान, ए लाइफ इन मूवीज। ये किताब जो है ये लिखी है शुभ्रा गुप्ता ने। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक बुक है, किसके ऊपर बेस्ड है, इरफान खान जो काफी एक शानदार एक्टर है इनके ऊपर। ओके, नेक्स्ट है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन। ये किताब लिखी है अरविंद फर्नांडिस ने। ओके, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये नाम भी अपने आप में। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम, ये लिखी थी इंडियन जर्नलिस्ट पी साईनाथ ने। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर रिमेम्बर रखें। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम पी साईनाथ। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट एक बुक है, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड 19 वैक्सीन स्टोरी इन न्यू दिल्ली। और ये किसने लिखी है, आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर ने। काफी ज्यादा हाईलाइट और इंपॉर्टेंट बुक है, नाम जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है ए मैटर ऑफ हर्ट, एजुकेशन इन इंडिया। ये किताब लिखी है अनुराग बेहर ने। ओके दोस्तों, और जनवरी से लेकर अगस्त तक की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो शायद कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वही बुक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। नेक्स्ट है स्नैक इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0। ये बुक लिखी है श्री राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन ने, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है बिपिन, द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो जनरल बिपिन रावत है, इनके ऊपर बेस्ड है। और ये किसने लिखी है, रचना बिस्वत रावत ने। ओके, ध्यान रखिएगा इसके ऑथर कौन है, रचना बिस्वत रावत। नेक्स्ट है एज गुड एज माई वर्ल्ड, ये भी काफी हाईलाइट बुक थी और ये लिखी थी KM चंद्रशेखर ने। और काफी एक इंपॉर्टेंट बुक है अपने आप में, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। और इसमें इंडिया की वैक्सीन जो पूरी डेवलपमेंट है, इंप्लीमेंट है, उसको समझाया गया है, मतलब वैक्सीन की ग्रोथ स्टोरी को बताया गया है, जो किसने लिखी है, श्री सज्जन सिंह यादव ने, इसको आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है वार एंड वुमेन, ये बुक लिखी है डॉक्टर MA हसन ने। अगली है वाई कांट एलिफेंट बी रेड, और ये किताब लिखी है वानी त्रिपाठी टीकू ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड बुक थी अपने आप। अगली है सचिन एट द रेट 50, यानी सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। ये सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक बेस्ड काफी ज्यादा हाईलाइटेड बुक है, बोरिया मजुमदार ने इसको लिखा है, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये PM मोदी की जो प्रोग्राम होता है हर संडे को मन की बात, उसको डॉक्यूमेंट करती है, और ये लिखी है किसने, शशि शेखर ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। नेक्स्ट है स्मोक एंड एशेज, ये भी एक शानदार नॉवेल है, अमिताभ घोष ने इसको लिखा है। अगला है द ग्रेट बैंक रोबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज है इनके ऊपर बनी हुई एक किताब है, पटाभी राम और सबिया सचिदास ने इसको लिखा है। अगली है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ये भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड बुक थी, इसको किसने लिखा था, जर्नलिस्ट पीयूष बाबले ने। अगली है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट बुक है अपने आप में। ये किसने लिखी है, नंदिनी दास ने, जो इंडिया की एक ब्रीफ हिस्ट्री को हमारे सामने डिस्क्राइब करता है। अगली है जस्ट एस्पायर, नोट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड द फ्यूचर, ये लिखी है अजय चौधरी ने, जो HCL के को फाउंडर है। HCL अभी प्रेजेंट टाइम पे किसकी कंपनी है, शिव नाडर की, तो HCL के को फाउंडर है अजय चौधरी, इन्होंने इसको लिखा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये लिखी है अमिताभ कांत ने, जो G20 में इंडिया के शेरपा भी थे, मैंने आपको बताया था, और इसके साथ साथ ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं, IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है अमिताभ कांत, ये इन्होंने लिखी है
75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज मेड इन इंडिया। अगली है पार्टीशनड फ्रीडम, ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है, राम माधव ने इसको लिखा है, काफी ज्यादा हाईलाइटेड बुक है अपने आप। माय लाइफ एज कॉमरेड, ये के शैलजा के ऊपर बनी हुई किताब है, के शैलजा ने इसको लिखी है, माय लाइफ एज कॉमरेड। नेक्स्ट है द इंडियन मेट्रोपोलिस, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड बुक है अपने आप में, ये लिखी है फिरोज वरुण गांधी ने। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, काफी फेमस ऑथर है जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, इन्होंने इस बुक को लिखा है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कथकली डांस थिएटर, ए विजुअल नैरेटिव ऑफ स्केर्ड इंडियन माइंड, ये लिखी है के गोपाल कृष्णन ने, ये आप ध्यान रखिएगा। और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इनके ऊपर बेस्ड है, काफी हाईलाइटेड बुक है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये लिखी थी शांतनु गुप्ता ने, कवर पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। ए लाइफ वेल स्पेंट, फोर डिकेड्स ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस, तो इंडियन फॉरेन सर्विस के इंपोर्टेंस को समझाने के लिए, और 40 साल तक जो IFS ऑफिसर रह चुके हैं सतीश चंद्रा, जो इंडियन डिप्लोमेट है, इन्होंने इस किताब को लिखा है, ये इस किताब के ऑथर है। ए लाइफ वेल स्पेंट, फोर डिकेड्स ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। नेक्स्ट है द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड, काफी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है बीके शिवानी, इन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, ये किताब लिखी है अश्विंदर आर सिंह ने, काफी हाईलाइटेड बुक थी अपने आप में। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बुक है द गीता ऑफ चिल्ड्रन, ये लिखी है रूपा पाई ने इस किताब को लिखा है, द गीता फॉर चिल्ड्रन। अगली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड बुक है माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, ये लिखी है सुधा पाई और सज्जन कुमार ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वाजपेयी द एस्केंट ऑफ हिंदू राइट 1924 to 1977, तो अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर, उनकी डिप्लोमेसी के ऊपर एक किताब है, अभिषेक चौधरी ने लिखी है इसको, ओके। नेक्स्ट है नरेटिव का मायाजाल, ये भी काफी हाईलाइटेड बुक थी, बलबीर पुंज ने इसको लिखा था, ओके। अगली है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये एक ऑटो बायोग्राफी है किसकी, टीएन सेशन की, टीएन सेशन ने इसको लिखा है, जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 1997 में के आर नारायण के सामने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े भी हुए थे टीएन सेशन, ओके। तो ये इनकी ऑटो बायोग्राफी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किताब लिखी है एक जर्नलिस्ट निर्जा चौधरी ने, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड बुक है अपने आप में। और अगली है कारगिल, एक यात्री की जुबानी, जो भी काफी हाईलाइटेड है अपने आप में, ऋषि राज ने इस बुक को लिखा है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 6 मंथ्स के बुक्स एंड ऑदर है दोस्तों, जिनको हमने डिस्कस किया है। ये जितने भी बुक्स है इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, इनके ऑदर्स कौन कौन है, ओके। आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर है आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।